Merhaba. तो आज का व्लॉग भी है क्वारंटीन के नाम, क्योंकि अभी भी हम सब घर पर स्टक हैं एंड लाइफ हैज बीन स्टॉप्ड बेसिकली, क्योंकि कुछ भी नहीं होता घर में करने के लिए एंड मुझे अंदर से यूजलेस वाली फीलिंग आ रही है. मतलब रात भर जागते रहो, दिन में सोते रहो, खाओ फिर जागो फिर सो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है करने के लिए. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई एम द मोस्ट यूजलेस पर्सन ऑन दिस प्लानेट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई सम स्टफ जो मैं घर पे रह के कर सकती हूँ और वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो और मतलब मेरे अंदर से एहसास ख़त्म करे कि मैं यूजलेस हूँ. तो मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा है कि कुछ करो. तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो ताकि मैं थोड़े थोड़े स्टफ़ ट्राई करूँ एंड यू पीपल कुड नो कि आप घर पे रह के क्या कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, मैं रात को सोई थी 4 बजे और मैं अभी उठी हूँ और अभी बज रहा है 2, मतलब 1:45 है तो अप्रॉक्सीमेटली 2 बज रहा है. मतलब इट्स ऑल राइट, 2 बजे उठते हैं लोग. लेट्स स्टार्ट विद माई व्लॉग एंड सी व्हाट आई हैव क्रिएटेड. आप में से शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हों, लेकिन मैं एक तस्वीर निगार हूँ. मतलब नॉट द प्रोफेशनल वन, बट आई लाइक फोटोग्राफी और मेरे पास कैमरा भी है, तो वाई नॉट. अच्छा, तो अभी मेरे पास वक्त भी था, मौका भी था, कैमरा भी था और गुल्लक भी था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी फोटोग्राफी ट्राई कर लूँ. आइसक्रीम वाला आ चुका है लेकिन मैं आइसक्रीम खा नहीं सकती. मैं फोटोग्राफी ना, आई एम गोना ट्राई सम पोर्ट्रेट शॉट्स. आई डोंट नो पोर्ट्रेट कहते भी हैं उसको या नहीं, लेकिन लेट्स ट्राई. अच्छा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी मेरा एक हाथ बिजी है, वरना अगर आपको करनी हो फोटोग्राफी तो आप लेंस को नीचे से पकड़ते हैं. मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगी कि हाउ टू डू फोटोग्राफी, उससे पहले मैं सीखूंगी कि हाउ टू डू फोटोग्राफी. बाय द वे, यू कैन ऑल्सो चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट, उसमें मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स डाली हुई हैं. डू रिव्यू और उस पर कॉमेंट करें. थैंक यू. तो अब दूसरा काम जो मैं करने वाली हूँ वो है इन प्यारे प्यारे से प्लांट पॉट्स की अरेंजमेंट, जो कि मेरे बाबा ने बहुत प्यार से लगाए हैं लेकिन थोड़े से अननीट हो रहे हैं. तो मैं इसको अरेंज करूँगी और इसको बाद में वाटर कर दूँगी ताकि ये और प्यारे लगे. Also read books अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना, because अच्छा होता है पढ़ना. अच्छा, तो मैं भी आजकल पढ़ रही हूँ रूमीज़ डॉटर बाय मोरियल मॉफ रॉय, या फिर मोरियल मॉफ रॉय, आई डोंट नो. एनीवेज, आई एम सो सॉरी मोरियल या मोरियल मॉफ रॉय अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन यू हैव रिटन अ वेरी गुड बुक. मुझे अभी किसी ने रिकमेंड किया, मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैंने अभी सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है और मुझे लग रहा है कि इट इज़ काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल, और मैंने सुना है कि इट इज़ रिलेटेड टू, इट इज़ सिमिलर टू दैट वन अल्केमिस्ट, और मैंने अल्केमिस्ट पढ़ी थी इससे पहले. इट वॉज़ वेरी गुड, इट वॉज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिस्ट्री एंड फिलोसफी, तो मुझे अच्छा लगा एंड आई पर्सनली लाइक रीडिंग द फिलोसॉफिकल कंटेंट. तो मैं यही पढ़ रही हूँ और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें इफ़ यू लाइक द जॉनरा. और मुझे अभी याद आया कि मेरा बुक शेल्फ अरेंज करना है, बहुत दिन से मैंने खोला नहीं, तो आई थिंक नेक्स्ट मुझे वही करना चाहिए. लेट्स गो. तो ये है मेरा बुक शेल्फ जो अभी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत दिन से खोला नहीं है, तो मैं इसको अभी सेट कर दूँगी. तरा, शुभ होता है एक आर्टिस्ट. तो अब वक्त आ गया है कि मैं अपने अंदर के आर्टिस्ट को ढूंढूं. तो मैं अब बनाऊंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शाहकार सी पेंटिंग, तो आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ.
तो नाजरीन जिस घड़ी का था आपको इंतज़ार वो मैं दिखाने जा रही हूँ अपना शाहकार. तो दिस इज़ माई पेंटिंग. मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देती हूँ. ये जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट ट्री है जो कि लाइफ को शो कर रहा है. और ये पेंट ब्रश से नहीं बना है, मतलब ऑयल पेंट से नहीं बना है, ये क्रेयॉन से बना है क्योंकि ये इसमें नहीं लगा हुआ था, ये सूखा था. और अगर किसी को ये पेंटिंग ख़रीदनी हो तो आप मुझे DM ना करें क्योंकि ये मेरे घर में लगी. सॉरी. सो नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू इज़ सेल्फ केयर. क्योंकि क्वारंटीन हो या क्वारंटीन ना हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. क्योंकि अगर आप ही अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा. ओके सेंटी हो गई. अच्छा तो आई एम गोना अप्लाई दिस VLCC ऑरेंज एंड वाटर लिली पील ऑफ मास्क बाई VLCC नेचुरल साइंसेस. और इसको अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इफ़ यू आर वेयरिंग मेकअप तो सबसे पहले आपको मेकअप रिमूव करना होगा. देन इफ़ यू हैव ऑयल ऑन योर फेस तो इट इज़ बेटर टू क्लीन इट विद वाटर और अ फेस वॉश ताकि मास्क जो है वो सही से एब्जॉर्ब हो. क्योंकि आई एम नॉट वेयरिंग मेकअप राइट नाउ और बहुत साफ साफ मेरे फेशियल फीचर्स नज़र आ रहे हैं, ये डार्क सर्कल्स वगैरह हो गए हैं, ये सब सही हो जाएंगे इससे इंशाल्लाह. अच्छा मास्क अप्लाई करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास एक ब्रश होता है उससे अप्लाई करते हैं, लेकिन मेरे पास वो ब्रश नहीं है तो मैं हाथ से ही लगाऊंगी. हाथों में शिफा भी होती है. ये हाँ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने यूँ लगाएं, यूँ करके उसे लग नहीं रही लेकिन खैर आइस के नीचे नहीं लगता. और जब मास्क लग जाता है तो आप बात नहीं करते हैं क्योंकि फिर वो रिंकल्स पड़ जाते हैं. अब मैं अप्लाई कर दूँगी. तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने धो लिया है अपना मुंह और इसमें ऐसे कोई फ़र्क नहीं आया है, मतलब मेरे डार्क सर्कल्स भी नहीं गए और कोई मैं बहुत डिफरेंट नहीं लग रही, लेकिन आई फील गुड एंड दैट काउंट्स. इतनी सारी चीज़ें करने के बाद मैं थक गई थी और मुझे भूख लगने लगी. और बंदा क्वारंटीन में करे भी क्या, भूख लगती है आपको, आप किचन में आते और आप कुछ खा लेते हैं. लेकिन मेरी मॉम अभी नमाज़ पढ़ रही हैं तो मैंने सोचा मैं किचन में आके कुछ बनाऊँ. अभी किचन में आ गई हूँ बट द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता. मतलब मैं चाय बना सकती हूँ और मेरे हाथ की चाय कोई पीता नहीं है. खैर तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ट्राई कर लूँ. और सबसे आसान मुझे लगता है रोटी, आई गेस वो आसान होती है, आज पता चल जाएगा. तो मैं रोटी बनाऊँगी लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊँगी कि देसी किचन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. मतलब मेरा घर टिपिकल देसी घर है तो बहुत सारी चीज़ें आपको देसी वाली मिलेंगी. तो देसी किचन में क्या चीज़ होती है मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहली चीज़ ये कि आपको इररिलेवेंट स्टफ़ मिलेगा. ये एक नोटिस है जो मेरे भाई ने अपने बुक्स में निकाल के लगाया और इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक बंदे को आग लग जाए घर में तो आप उसको इंस्टेड ऑफ पानी अप्लाई करने के आप उसको एक ब्लैंकेट में कवर करें और उसको ज़मीन पर रोल करने दें. तो ये एक बहुत एहतियाती तदबीर है जो किचन में मिलेगी आपको. इसके अलावा जब आप नॉर्मली किचन में आते हैं तो आपको क्या दिखता है, आपको एक जार मिलेगा उसमें हॉर्लिक्स लिखा होगा, जब आप खोलेंगे तो हॉर्लिक्स निकल आएगा. लेकिन देसी घरों में थोड़ा डिफरेंट होता है. आप जार खोलेंगे और आप ये सोचेंगे कि शायद इसमें हॉर्लिक्स हो लेकिन इसमें कुछ और निकल आ सकता है. जैसे मैं भी ये खोलूँगी तो ये है, ये हॉर्लिक्स का जार है लेकिन इसमें है गरम मसाला. तो अगर आप इसको दूध में डालेंगे तो फिर बहुत बुरी चीज़ मिलेगी. इसके अलावा मैंने ये खोला था इंश्योर का डब्बा और जब मैंने ये खोला तो इसमें मुझे मिली साबित गरम मसाला. तो मुझे ओरिजिनल डब्बा ढूंढने में टाइम लगता है और यही मॉम्स करती हैं, देसी सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर लेती हैं. तो अभी मैं रोटी स्टार्ट कर रही हूँ लेकिन रोटी बनाने के लिए आपको चाहिए आटा, आटा बेलन और जिसमें हम बेलते हैं और चिमटा. मैं प्रिपेयर करती हूँ. तो दुनिया की सबसे गोल रोटी बनाने के लिए मैं हूँ तैयार. ये है मेरा आटा और ये है खुश्की यानी सूखा आटा, ये है बेलन और ये होता है चिमटा. सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसको खुश्की में कर देंगे ताकि ये स्टिकी ना हो. फिर मैं इसको गोल 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 करूँगी. मैंने छोटी रोटी बनाई है क्योंकि बड़ी वाली मुझसे हैंडल नहीं होगी. अब मैं इसको अच्छा हमने चूल्हा चला दिया है ताकि जो है ये गर्म हो जाए और ये फौरन फौरन हमारी रोटी बन जाए. तो ये हो गई है, गोल नहीं है.
तो हम इसको गोल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको भी सीखना है कि रोटी को गोल कैसे किया जाए, तो आपने इसे सीधी सीधी बेली, उसके बाद आपने एक ऐसा गोल लिया और इसको ऐसे किया और आपकी रोटी गोल हो गई। इसको आप फेंक दें ताकि ये जो है मम्मा को दिखे ना। और हमने ये अपनी रोटी गोल की, ये थोड़ी मोटी लग रही है तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँगी। और ये तो ऊपर हो गई, सही गोल लेकिन सही है। इसको आप लंबा से खींच लें अगर आपको लगे तो। उसके बाद मैंने इसको यूँ चढ़ाया। बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैंने एक रोटी बना ली है फाइनली, जो कि थोड़ी सी छोटी बनी है और थोड़ी सी जल गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बनाई है तो मैं खा सकती हूँ। तो थोड़ी एम्बेरेसमेंट हो रही थी खाने में, लेकिन कोई बात नहीं। दिस इज़ माई रोटी और ये थोड़ी सी जल गई है, लेकिन बहुत टेस्टी लग रही है क्योंकि मैंने मेहनत से बनाई है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। नहीं, सब्र का फल मीठा होता है लेकिन मेहनत का फल भी मीठा ही होता है। तो ये होल व्लॉग अबाउट, मैंने काफ़ी नई नई चीज़ें ट्राई की, प्लस आई फील अ लिटिल बिट प्रोडक्टिव एंड आई वॉज हैप्पी कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। सो टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो कि आप लोग क्या नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज स्लीपिंग इज़ प्रोडक्टिव टू एंड डूइंग नथिंग इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। सो अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सेफ रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लस घबराना नहीं है आप लोगों ने।